पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। रोहड़ा से रंका मेन रोड में निकलने वाली सड़क के बीच में तालाब पर बने बांध बह जाने की वजह से रोहड़ा के ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहां के ग्रामीणों के अनुसार बांध करीब 2 साल पहले ही टूट गया है। उसका स्कीम भी पास हो गया था, उपयुक्त होने वाला भाव भी लाकर रख दिया गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू हो नहीं सका है। युवा ग्रामीण बताते हैं कि हम लोग तो किसी तरह आवागमन कर लेते हैं, लेकिन बुजुर्गों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इस परेशानी से निजात पाने के लिए गुहार लगाई है। साथ ही बगल में ही जर्जर अवस्था में पड़े छोटी पुलिया को भी मरम्मत कराने की मांग की है। इस दौरान मौके पर ग्रामीण नसीम अंसारी, निजामुद्दीन अंसारी, पेंकू यादव, मुंशी यादव, यूनुस अंसारी, इकबाल अंसारी, सिराजुद्दीन अंसारी, इरशाद अंसारी, विनोद यादव सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 2 साल पहले ही बांध टूट गया है जी। हम लोग के आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। इधर खेती बाड़ी इधर है, लंका रोड में निकल रहे हैं। हम लोग के अभी आगे खेती बाड़ी के तैयार हो गया है, वो लाने में बहुत दिक्कत है। और इसका समस्या यही है कि इसका स्कीम भी आ गया था, सुनने में आया है, लेकिन भाव सब रखल है, गिरल भी था 10,000 रुपये, सुने कि निकल गया, लेके खा के उन्हें सब चल गया, आज तक बनबो नहीं किया, 2 साल पहले टूटल था। हम लोग का समस्या यही है कि देख रहे हैं कि कितना गड्ढा हो गया है, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग का खेती बाड़ी इतने है, हम लोग तो किसी तरह चले जा रहे हैं, बूढ़ा आदमी सब नहीं जा पा रहा है पूरे। तो काम मैंने शुरू हुआ था यहाँ? काम शुरू हो नहीं किया है, ये देखिए पुराना भवन है, 2-3 गो रख दिया है। अच्छा। और वही में पैसा निकाल के खाई हो गया। कौन काम करवा रहा था? सुभाष यादव है नाम के है, वही सुने थे कि तिवारी जी के विधायक है, तबे वो स्कीम निकला था। कौन सा योजना से काम हो रहा है अब? योजना तो हमको 14 बीस का था, हम लोग सुनने में आया यही, और पैसा वैसा सुनने के सब निकाल के खाई गया, 10,000 रुपया निकाल लिया, बहुत पुराना लान के कहाँ से दिए रख दिया है, 2 साल पहले ही। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाह रहे हैं कि भाई इसका किसी तरह अगर बात आगे पहुँचे, हम लोग तो भाई है अभी मान जाए पंचायत अध्यक्ष हैं अली राजा बाबू, जिसे हम लोग कहे हैं, तो वही बोले कि भाई उसका बुला रहे हैं, मन कर रहे हैं कि भाई इसका अगर काम हो जाता है कोई अथी नहीं खाली है। तैयारी रोहड़ा के जो ग्रामीण अपनी जो समस्या बताए थे आपको, इस पर आपकी ओर से क्या पहल की गई? पहल यही की है कि मैं इसका बार बार प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचित भी किया, बताया भी कि इस पर काम होना चाहिए, क्योंकि आने जाने में बहुत काफ़ी दिक्कत हो रहा है यहाँ का आवाम को, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी इस पर कोई किसी तरह से कोई कार्रवाई नहीं किए, और बोले कि सुभाष यादव को मैं बोल दे रहा हूँ, काम करवा देंगे, एक हफ्ते के अंदर में लगवा देंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई काम नहीं लगा अभी तक, और सिर्फ भाव वगैरह गिरा के और जो भी पैसा निकला पता नहीं पैसा कैसे किस तरह से हुआ। 2 साल का ये मामला है, अभी तक आने जाने में बहुत काफ़ी लोगों को मतलब मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। ये 14 बीत का काम है अभी तक, लेकिन इसमें कोई एक गाड़ी बालू भी नहीं गिरा है। हमारे पास इन लोग दरखास्त एक लिखित दिए, उस पर हम आकर फिर निरीक्षण किए तो पता चला कि बहुत काफ़ी स्थिति खराब है रोड का यहाँ पर। क्या नाम हुआ आपका? मैं JMM रमकंडा पंचायत अध्यक्ष अली राजा। अच्छा, तो कब तक काम होने का लग रहा है आपको? अभी तो फिलहाल इसका सूचना प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे और माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को देंगे, और उनके निर्देश के अनुसार बहुत जल्द इस पर काम और होने का मतलब ये है, निर्णय है। ठीक।